कक्षा आठवीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर संस्कृत का रियल पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारी कॉन्ट आ रहे थे कि संस्कृत का रियल पेपर अपलोड करो, फाइनली आपके यहाँ पर संस्कृत का 101 पे रियल पेपर आ चुका है। आप यहाँ पर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, देख लीजिए। और पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हल चल करेंगे, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। साथ ही आपका फेक पेपर नहीं है, पूरा आपका रियल पेपर, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा आपको एंड तक देखना। आप यहाँ पर संस्कृत में पूरे पूरे मार्क्स लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा आपको एंड तक देखना। साथ ही पूरे आपका हम संपूर्ण हल चल करेंगे। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 12, 25, 27, 22, 23, ठीक है। विषय संस्कृत आप यहाँ पर देते, विषय संस्कृत आपका रहेगा और जो आपके यहाँ पर पूर्णांक रहेगा वो आपका 60 नंबर का रहने वाला है और कुल प्रश्न संख्या आपकी रहेगी 24 और आपका कक्षा 8 परीक्षा अवधि आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ बताएं आपको अनुक्रमक रोल नंबर, आपको यहाँ पर अंकों और शब्दों आपको यहाँ पर रोल नंबर डाल देना, शाला का नाम, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा दिनांक, सब कुछ आपको यहाँ पर सही भरना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट भरने में गलती कर देते हैं, तो आपको भरने में गलती नहीं करना क्योंकि इससे आपके मार्क्स भी कट सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको सब कुछ सही भरना, हमने आपको बता दिया कि इसमें आपको क्या भरना। साथ ही आपको रोल नंबर किस तरह से भरना है, तो उदाहरण के लिए आप यहाँ पर, ठीक है, उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं और ठीक है रोल नंबर अपना भर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर संस्कृत पेपर बोर्ड देख लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सबसे पहले हम बड़ी मस्त आपके लिए यहाँ पर जोड़ करके आपका रियल पेपर लेके आ चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका पेपर बोर्ड देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से देखना क्योंकि वो आपका यही पेपर आएगा। तो आप यहाँ पर पहले तो आते हैं बहु विकल्प प्रश्न, आधे प्रश्न 1 से लेकर 10 तक। तो आपके यहाँ पर निर्देश आता है उचित विकल्प विक्रम चित्तवा लिखे, ठीक है। तो आपका पहला आता कार्य क्षेत्र, तो आपके यहाँ पर ये आता चारणियम, बी आता तौरणियम, सी आता मलिनियम और डी आता साइनियम। तो आप यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया आप यहाँ पर देख लीजिए कार्य क्षेत्र, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा तौरणियम। तो आपको यहाँ पर उत्तर में आपको लिख देना है, यहाँ पर देख लीजिए तौरणियम, ठीक है, ये आपको उत्तर में यहाँ पर लिख देना है। तो इस तरह से आपका यहाँ पहला हमने आंसर करा दिया। अब चलिए आपका दूसरा यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है शांति निकेतनम भारतीय संस्कृति मानव प्रप्या चामायती शिक्षा दत्तवान, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आता। तो यह था स्वामी विवेकानंद, बी आता महात्मा गांधी, सी आता रविन्द्रनाथ ठाकुर और डी आता आपका लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, शांति निकेतनम भारतीय संस्कृति मानव प्रप्या चामायती शिक्षा दत्तवान। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका रहेगा रविन्द्रनाथ ठाकुर, ठीक है। आपके यहाँ पर दूसरे का आंसर आपका सी हो जाएगा, तो अच्छे से याद कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं आपका तीसरा, तो आपके यहाँ पर तीसरा आता सज्जना, आप यहाँ पर तीसरा बताते सज्जना इतना पता संधि विच्छेद अस्ति, तो आपके यहाँ पर सज्जना को आपको यहाँ पर संधि विच्छेद करना था, तो आपका ए आता, आप यहाँ पर ए ऑप्शन आता, बी ऑप्शन आता, सी ऑप्शन आता, डी। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा सत्य प्लस जना, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लीजिए और स्क्रीन शॉट आपको लेते चलना क्योंकि आपका इसमें से पेपर पूरा आने वाला, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते चौथा, चौथा आपके यहाँ पर आता द्वंद्व समासस उदाहरणम अस्ति, तो आपका यह था त्रिभुवनम, बी आता दशानना और सी आता कृष्ण सर्पा और डी आता राम लक्ष्मणाओ। तो आप यहाँ हैं द्वंद्व समासस उदाहरणम अस्ति, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा डी राम लक्ष्मणाओ, ठीक है। आपके प्रश्न चौथे का आंसर आपका डी हो जाएगा राम लक्ष्मणाओ। और चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा, तो आपको पाँचवा यहाँ पर आता है हसिता ए तस्मन पदे का प्रत्यय अस्ति, तो आपको बताना था कि हसिता में कौन सा प्रत्यय है। तो आपका यह था कित, बी आता कितवा, सी आता कितवा और डी आता ल्याप। तो जो आपके यहाँ पर दिया हसिता इतस्मैन पद का प्रत्यय अस्ति, तो इसका आंसर आपको रहेगा ए कित, ठीक है। आपका यहाँ पर हस्ता में आपका कित प्रत्यय रहेगा, तो अच्छे से याद कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए छमा, तो आपका छमा आता शिकागो नगरी विश्व धर्म सम्मेलन ने भारत से प्रतिनिधि अभत, तो आपका यहाँ पर यह था रामकृष्ण परमहंसा, बी था विश्वनाथ दत्ता और सी था रविन्द्रनाथ टैगोर और डी था स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर आपको क्या रहेगा, इसका आंसर आपको रहने वाला था यहाँ पर स्वामी विवेकानंद, ठीक है। आपका प्रश्न छवें का आंसर आपका हमने बताई दिया, आपके यहाँ प्रश्न छवें का आंसर आपको रहने वाला था स्वामी विवेकानंद। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सातवा, सातवा आता मेघ दूतस्य कवि अस्ति, तो आपके यहाँ पर यह था महाकवि कालिदासा, बी था भूति और सा था मागा और डी था भारवी। तो यहाँ पर मेघ दूतस्य कवि अस्ति, तो इसका आंसर रहेगा आपका महाकवि कालिदासा, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, तो आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता आठवां, नर्मदा नद्या अपना नाम अस्ति, तो आपको ये बताना थी नर्मदा नदी का दूसरा नाम कौन सा है। तो आपका यह था कालिंदी, बी आता ताप्ती, सी आता मंदाकिनी और डी आता रेवा। तो जो आपके यहाँ पर दिया नर्मदा नद्या अपना नाम अस्ति, तो इसका आंसर डी रहेगा आपका रेवा, ठीक है। आपके यहाँ पर उत्तर में आपको यहाँ पर लिख देना रेवा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो
तो आपका नौवां आता है कामदगिरी इति इस्लामस्ती। तो आपको यहाँ पर बताना था कामदगिरी कहाँ पर स्थित है, तो आपका यह था उज्जैन नगरी, अब यह था ओछा नगरी, और उसके चित्रकूट नगरी, और यह था मंदसौर नगरी। तो यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिया कामदगिरी इति इस्लामस्ती, तो इसका आंसर रहेगा आपको चित्रकूट नगरी। तो आपके यहाँ पर आंसर रहेगा आपके प्रश्न नौवीं का आंसर सी। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है दसवां, तो आपका दसवां आता है विद्वान पूजते, तो आपका यह यत्र तत्र और सी था अत्र और डी था सर्वत्र। तो यहाँ विद्वान पूजते इसका आंसर आपका रहेगा सर्वत्र। तो आपके यहाँ पर आंसर में आपको लिख देना था यहाँ पर उत्तर में सर्वत्र, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर जो प्रश्न एक से लेकर दस तक जो आपके दिए थे बहुविकल्पी प्रश्न, वो हमने आपके संपूर्ण हल सही करा दी, साथ ही आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। और चलिए आपके यहाँ पर आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, आते हैं प्रश्न 11 से 20, साथ ही आपका यही विवाह आएगा तो पूरा विवाह को रट के जाना है। निर्देशा आता है निम्नलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी लिखित, तो आपके यहाँ पर आता है पाठ पुस्तक एक श्लोक लिखा, तो आपको यहाँ पर एक श्लोक लिखना है। फिर आपका बारहवा आता है निम्नलिखित संख्या संस्कृत शब्द से लिखी, तो आपके यहाँ पर 28 को 36 को 42 को आपको यहाँ पर संस्कृत भाषा में आपको लिखना है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो हम बताएंगे आपको, वीडियो पूरे देखें सभी आंसर हम आपको कराएंगे। फिर आपका तेरहवा आता है प्रसन्नो मूर्त इच्छा किम अक्रूत, ठीक है। आपका यहाँ पर रहेगा भूत्य लिखा आपका प्रसन्नो भूत्य इच्छा किम अक्रूत, ये आपका रहेगा यहाँ पर प्रश्न तेरहवा। स्क्रीन शॉट आपको ले चलना। फिर आपका यहाँ पर चौदहवा आता है चंद्रशेखरण कैन नामना संघ घटनम कृतम, ठीक है। आपका यहाँ पर रहने वाला था चौदहवा क्वेश्चन, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका पंद्रह क्वेश्चन था, पंद्रह क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीन शॉट आपको ले लेना, पूरा आपके यही पे आएगा। तो पंद्रह क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है सोलहवा क्वेश्चन आता कालिदास से, ठीक है। कालिदास से आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अच्छी तरह से, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। फिर आपको सत्रहवा आता पंच साका नाम नामानी लिखे, तो आपको यहाँ पर पंच, ठीक है, साका नाम आपको नाम लिखना है यहाँ पर, देख लीजिए सत्रह क्वेश्चन। फिर आपका अठारहवा आता भावना नाम गवा सेव की बदते, ये आपका अठारहवा क्वेश्चन रहने वाला, जल्दी से देख लीजिए स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए, हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं। फिर आपको उन्नीसवा आता अल्लाह भाई कीर्दर्शी महिला आसीत, ठीक है। आपका उन्नीसवा क्वेश्चन आता जल्दी से देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है बीसवा क्वेश्चन निर्जला कीर्दशा बर्तन थे, ठीक है। आपके यहाँ पर रहने वाला बीसवा क्वेश्चन, तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 21 तक निर्देश आता है निर्देशानुसारम उत्तराणी लिखित, तो आप पहले तो यहाँ पर आता गद्दांश, तो इस गद्दांश को पूरा आपको पढ़ लेना, जल्दी से स्क्रीन शॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। आप यहाँ पर बारह मीरा विद्या वैज्ञानिक कश्चित सहार, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर दिए तो पूरा आपको पढ़ लेना ध्यान से देख लीजिए, और साथ ही दो लाइन आपके यहाँ पर भी दिए तो पढ़ लीजिए पूरा। आप यहाँ पर इसी क्वेश्चन आते हैं बारह मीरा का आशित, और दूसरा आपके यहाँ पर क्वेश्चन आता है, और तीसरा क्वेश्चन आता है, चौथा पांचवा सभी क्वेश्चन देख लीजिए पूरा को आपके यही पेपर आएगा। साथ ही जो इनका आंसर वो हम बता देंगे, पहले तो आप इनका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। और जल्दी से आपको स्क्रीन शॉट ले लेना है, और वीडियो को साफ देखने के लिए वीडियो फुल क्वालिटी में देखें। फिर आपका पदांश आता है निर्धनस्य विषम भोगो, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर दिए तो पूरा आपको पढ़ना, इसका क्वेश्चन आता है भोगा कष्ट विषम, ये आगे पहला क्वेश्चन आता है। फिर दूसरा आता है, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा आता है शास्त्राम कदा विषम, और चौथा आता अजीर्ण किम विषम, और पांचवा आता निधनस्य इतर्षण पदे का अवसर का अस्थि, तो आपको बताना था कि निधनस्य में कौन सा अवसर का, ठीक है। आपको पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन शॉट आप यहाँ पर ले लीजिए, आपके पांच क्वेश्चन करा दिए हमने, ठीक है। अब आपके यहाँ पर देख लेते हैं आपको 23वां क्वेश्चन में आपको यहाँ भरना था, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इधर आपका 23वां क्वेश्चन, जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। जल्दी से स्क्रीन शॉट आपको घर लेना है, और आपको यहाँ पर क्रम से इसमें भरना है, ठीक है। फिर आपके यहाँ आता है यहाँ पर 24वां क्वेश्चन, जिसमें आपको यहाँ पर निबंध लिखना था किसी एक विषय पुस्तक पर, और धनम पर धेनु पर विद्यालय पर किसी एक पर आपको यहाँ पाँच वाक्य लिखने थे, तो पूरा पेपर आपका करा दिया। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपका हो चुका है, और साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर जो हमने पेपर कराया वो आपका यही पेपर आएगा, तो पूरा आपको पेपर रट के जाना है पेपर देने से पहले। और साथ ही स्टूडेंट जो आपका सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन आएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी और प्रेस कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके पूरे पेपर के सोल्यूशन का, ठीक है। बाय।